अलैकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम आपको इतना मज़ेदार कोरमा बताने वाले हैं फ्रेंड्स। देगी कोरमा, शादी वालों कोरमा बहुत ही मज़े का बनता है। एक बार ये कोरमे को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हो और आपको अच्छा कुछ बनाना हो तो ये कोरमा हमारा ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 किलो हमने चिकन लिया, इसको धोकर रखा हुआ, आप देख लीजिए। तो इस तरह के मीडियम पीसेस कर लीजिए आप भी। और मसालों में आप देख लीजिए, 1.5 चम्मच लिया हमने भुना कूटा जीरा पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, 2 चुटकी हमने कलर लिया है, इससे बहुत अच्छा कलर हो जाएगा हमारे कोरमे का। ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हो। तो 200 ग्राम यहाँ पर हमने दही लिया है, 200 ग्राम दही पूरा यूज होगा, लेकिन अभी हम इसके अंदर मैरिनेट के लिए 2 ही चम्मच ऐड करने वाले हैं और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं, इस तरह से फुल भरकर 2 चम्मच। 2 चम्मच हमने दही को डाल दिया है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही। कोरमे में ज्यादा खट्टा दही नहीं अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो कम खट्टा दही लीजिएगा आप जी। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो सभी जो मसाले हमने आपको दिखा दिए वो ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से इतने अच्छे से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो हम हाथ से इसे मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इस तरह से हाथ से ही करना है फ्रेंड्स आपको, हाथ से करोगे ना तो सभी पीसेस पे मसाले बहुत अच्छे से लग जाते हैं, अच्छे से कोट हो जाते हैं। ये देख लीजिए आप, अभी बहुत अच्छे से चिकन के अंदर मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अभी हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। आपको 1/2 घंटा रखना हो, 20 मिनट रखना हो तो भी चलेगा, ज्यादा वक्त तक रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम 1 घंटा इसको रखने वाले हैं, तो चलिए 1 घंटे के लिए इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर ढककर। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हमने, 1 तेज पत्ता लिया, इसको तोड़ दिया है, 7-8 काली मिर्ची ली है और 6 हमने हरी इलायची ली है, पतीली के अंदर ऐड किया है, ऑयल ऐड करेंगे। ये देख लीजिए कितने अच्छे से चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, ग्रेट कर देंगे चिकन हमारा सभी। ओपन इसे कर लेंगे, ऑयल के अंदर 6-7 चम्मच ऑयल डाला है हमने। तो ये देख लीजिए 4-5 मिनट हमने इसको पकने दिया है, ये देख सकते हो आप ऑयल पूरा सेपरेट हो चुका है, देख लीजिए आप, बहुत ही जबरदस्त चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका था, देख लीजिए आप कितनी जल्दी से ये इसी तरह का टेंडर होना चाहिए चिकन फटाफट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो दही हमने बचा कर रख दिया था, तो ये बादाम और काजू दोनों मिक्स लिए हमने, 12 से 15 बादाम लिए थे, 12 से 15 काजू लिए, दही डालकर इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। 4 हमने प्याज ली थी और थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा लिया था हमने, प्याज को फ्राई कर लिया था और इसमें भी दही डालकर हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 4 बड़ी बड़ी साइज की प्याज ले लीजिए आप, उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए और थोड़ा सा नारियल का बुरादा हमने उसके अंदर ही ऐड किया है और दही डालकर इस तरह से उसका पेस्ट तैयार किया है। और यहाँ पर ली थी हमने हरी इलायची, 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चे और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये इसका हमने इस तरह से दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। इससे कोरमे में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े का लगता है। शादी वाला कोरमा बना रहे हम, देगी कोरमा बना रहे और इस तरह का दरदरा ही हमें ये प्याज का पेस्ट तैयार करना है, फाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सभी ऐड करेंगे हम पानी डालकर इसके अंदर, और भी लगा हुआ है मिक्सी के जार में तो पानी डालेंगे इसके अंदर। आप कोई मेहमान को दावत कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तो ये कोरमा हमारा जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मजे का बनता है। ये देख लीजिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, आपको सिर्फ काजू लेना है तो सिर्फ काजू भी ले सकते हो, सिर्फ बादाम भी ले सकते हो, लेकिन हमने दोनों भी लिया है।
इसमें भी हम पानी डाल के, वेस्ट कुछ भी नहीं करना है, पानी ऐड करेंगे इसके अंदर भी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। एक बार जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। मिक्सी का जार खंगाल कर पानी ऐड करेंगे। पकने देते हैं हम इसको ढककर 4-5 मिनट। तो 4-5 मिनट हमने इसको पकने दिया है, तो देख सकते हो आप बनाकर रख दिया था, वो ऐड करेंगे इस तरह से। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर फ्रेंड्स। सभी ऐड करेंगे, आप भी जरूर से बनाइएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऑयल पूरा सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हो कलर भी कितना प्यारा आया हमारे कोरमे का माशाल्लाह। और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त टेंडर हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अभी गैस हमने बंद कर दिया है, इसको इस तरह से ढककर रखेंगे ताकि पूरी खुशबू उसके अंदर आ जाए, फिर आपको दिखाएंगे। कोरमे को सर्व कर लेंगे, ये देख लीजिए कितना मज़ेदार हमारा कोरमा बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप जब इसको ट्राई करोगे ना फ्रेंड्स, तभी आपको पता चलेगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कितना दानेदार और कितना ये लाजवाब कोरमा बनकर तैयार हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, देख के आपको अंदाज़ा तो आ ही गया होगा। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है फ्रेंड्स, और खुशबू से तो पूरा किचन महक चुका था। शादियों जैसा देगी कोरमा, अगर आपको खाना हो तो ये कोरमा आप ट्राई करके देख लीजिए और फिर हमें कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। ट्राई करने के बाद कमेंट कीजिए। नहीं फ्रेंड, सच में ये शादी वाला देगी कोरमा बनकर तैयार हुआ है, इतना मज़े का बना था। आप इसे पराठा, नान, चपाती, राइस, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ में आप इसे सर्व कर सकते हो। सभी के साथ इसका टेस्ट लाजवाब होता है फ्रेंड्स, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। जब भी आप इसे ट्राई करोगे हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपका भी किचन इतना महकेगा जब आप इसे ट्राई करोगे, तभी आपको पता चलेगा। हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए गए हो फ्रेंड तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी हमारे चैनल पर देखने मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम आपको चिकन 65 बताने वाले हैं फ्रेंड्स। ये बहुत मज़ेदार लगता है, स्टार्टर के तौर पे आप इसे सर्व कीजिए आपके मेहमानों के सामने या फिर आपके फैमिली के सामने, आपके बच्चों के सामने सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आधा किलो हमने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है, इसको क्यूब्स में कट किया है, आप देख सकते हो इस तरह के पीसेस रहने दीजिए आप। ये देख लीजिए, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, इस तरह के रहने दीजिए। 2 चम्मच लिया हमने सोया सॉस, 2 चम्मच लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा चाहिए हमको, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया हमने काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच ये भुना कूटा जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। नमक थोड़ा कम ही लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है ना, तो इसके लिए नमक कम ही लीजिएगा। पहले हम इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे, अगर आपका डार्क वाला सोया सॉस रहेगा तो आप 1 ही चम्मच लीजिएगा। ये सब मसाले जो हमने आपको दिखा दिए वो ऐड करेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से इतने अच्छे से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो हाथ से ही मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमने इसको हाथ से मिक्स कर लिया है, चम्मच से इतने अच्छे से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो हाथ से ही मिक्स करना है। अभी हम इसके अंदर जो एक हमने लिया है इसको अच्छे से तोड़कर ऐड कर दीजिए। तो अंडा हमने ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने हाथ से मिक्स कर लिया था ताकि पूरे मसाले चिकन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और भी इसके अंदर कुछ जाने वाला है तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप। 2 चम्मच लिए हमने मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये भी इसके अंदर जाने वाला है, चम्मच से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो हाथ से ही करना है, हाथ से ही बेस्ट रहता है।
इस तरह से अगर आप करोगे ना हाथ से तो बहुत ही अच्छे से चिकन के अंदर हमारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरह से कीजिएगा आप भी। अभी हम इसको ढककर रख देंगे फ्रिज के अंदर एक घंटे के लिए। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन हम एक घंटे के लिए रखने वाले हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक घंटा रख लीजिए, नहीं टाइम है तो आधा घंटा भी काफी रहता है। आधे घंटे में बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो जाता है, लेकिन हमारे पास काफी टाइम है तो एक घंटे हम इसको छोड़ देंगे फ्रिज के अंदर। तो ये देख लीजिए, चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक घंटा हमने इसको रख दिया था, आप देख सकते हो। फ्रिज से बाहर निकाला हमने इसे 10-15 मिनट पहले, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑयल हमने गर्म के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक करके हम इसके अंदर फिश को छोड़ते जाएंगे। 10-15 मिनट पहले फ्रिज से बाहर आप निकाल कर रख दीजिए तो सही रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रिज में से निकालोगे ना बहुत ठंडा होता है, इसके लिए 10-15 मिनट पहले से बाहर निकाल कर रख दीजिए और फिर इसको फ्राई कर लीजिए। और तो जितने कढ़ाई में इजली आए उतने हमने ऐड कर लिए, आप देख लीजिए। उलट पलट कर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। उलटते पलटते इसको फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम तक चिकन को रखोगे ना तो अंदर से एकदम जूसी हो जाता है और बहुत जल्दी से टेंडर हो जाता है। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी हम इसको निकाल लेंगे, इसी तरह से इसको फ्राई करना है। ये देख लीजिए, तो ये देख लीजिए सभी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सभी हमने फ्राई कर लिए, दोबारा से हमें एक बार फ्राई करना है। जो हमने निकाल कर रख दिया ठंडे होने पर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते तो हमें और भी इसे क्रिस्पी करना है। तो सभी हम इसमें ऐड कर देंगे, सभी को एक साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। ऐसे करने से क्या होगा, एकदम ये करारे रहेंगे और अंदर से एकदम जूसी रहेंगे। इसके लिए आप दोबारा से इसे फ्राई कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए, फुल फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा। तो ये अच्छे से हो चुके हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे। सभी बेक जैसा कलर आ चुका है, देख सकते हो आप, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा फ्रेंड्स बाहर से ये कितने क्रिस्पी है। हम आपको तोड़कर भी दिखाना चाहेंगे कि अंदर से ये कितने जूसी हुए हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, तो ये देख लीजिए कितना जूसी हमारा चिकन है अंदर से, आप देख सकते हो। जबरदस्त ये टेंडर हुआ है, बहुत जूसी है अंदर से, आप देख लीजिएगा, और बाहर से एकदम क्रिस्पी आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम इसका सॉस तैयार कर लेंगे। तो 10 से 12 लहसुन की कलियां लेकर हमने इस तरह से इसको चॉप कर लिया है। 1 चम्मच फुल भरकर हमने ऑयल लिया है, कलियों को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन की कलियां अच्छे से फ्राई हो चुकी है, 2 हमने हरी मिर्च लिए, कड़ी पत्ता लिया हमने ढेर सारा। अभी हम इसके अंदर टमाटो सॉस ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चुटकी कलर, ये ऑप्शनल है फ्रेंड, आपको डालना हो तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत प्यारा दिखेगा। 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया हमने इसके अंदर। ये हमारा थिक सा सॉस तैयार हो चुका है। आपको अगर तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। चिकन ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम ऐसे ऐड करेंगे, प्यारा लगता है इस तरह से। तो ये देख लीजिए अब कितना मज़ेदार हमारा 65 बनकर तैयार हो चुका है, एकदम थिक सॉस वाला, आप देख लीजिए फ्रेंड्स।
देखकर ही आपको पता चल ही रहा होगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये देख लीजिए आप, ये देख सकते हो आप, ठंडा होने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता है। गर्मा गर्म इसको एंजॉय करना होता है फ्रेंड्स, तो गर्मा गर्म इसको एंजॉय कीजिए। चलिए अभी हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे प्लेट में। तो लीजिए गर्मा गर्म बनकर तैयार है चिकन 65। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लिए या फिर अपने मेहमानों के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप इसे ट्राई करोगे हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बहुत मज़ेदार लगता है खाने में और गर्मा गर्म ही आपको इसको इंजॉय करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए गए हो फ्रेंड तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।